हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर इन गुड हेल्थ एंड आर कंटिन्यूअस इन योर स्टडीज़। द टाइम्स आर डिफिकल्ट एंड वी हैव टू इनकरेज आर सेल्व एंड कीप आर सेल्व मोटिवेटेड टू कंटिन्यू एवरी थिंग दैट वी आर डूइंग, नॉट जस्ट आर स्टडीज़। टूडे वी आर गोइंग टू डील विद नागवंशी सिस्टम एंड नागवंश हिस्ट्री। अर्लियर वी हैव ऑल्सो डन द मुंडा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो दिस इज़ इन कंटिन्यूएशन विद द ट्राइबल्स एडमिनिस्ट्रेशन। In this part of the video, we are doing both Nagvanshi system because it is very, very small, as we have already done the Munda system, as well as Nagvanshi history. You will not have to look in any of the books to go through Nagvanshi history again if you have done this video. All the small facts and trivias are placed here, which will help you not only in prelims but also in your mains. Let's go forward and see what it is all about. We had already seen the Munda system. Let's take a quick revision in the small facts. So the Munda system was established by Rita Munda and Risha Munda. And the Munda system itself got converted into Nagvanshi system. It got converted into Nagvanshi system. Sorry, there's a spelling error in converted. And it was a mere extension of the Padha system. Padha system hum log pad chuke hain, and you must be knowing the meaning of the word Padha by now. एंड रिशा मुंडा हैड मेड सुतिया पाहन एज द फर्स्ट किंग। तो पहला जो राजा है उसका हमेशा ही नाम याद रखना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ट्रिवियाज एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, सिस्टम जो एस्टैब्लिश हुआ था उसके रूलर्स कैसे थे। द फर्स्ट वॉज सुतिया पाहन, ऑलरेडी सीन, देन माद्रा मुंडा एंड देन फनी मुकुट राय। दिस मैन फनी मुकुट राय, इनका नाम आप बहुत जगह अलग अलग तरह से सुनेंगे, एंड ही इज़ द रियल फाउंडर ऑफ द नागवंशी सिस्टम। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज आदि पुरुष। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ है कि आदि पुरुष के नाम से कौन जाना जाता है। सो इट इज़ फनी मुकुट राय। तो देखते हैं कि सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। सेम है, बिल्कुल ही सेम है, जो मुंडा एडमिनिस्ट्रेशन आपने देख लिया है वही है। पहले जो ग्राम है, ग्राम का नाम है हातू। देखिए, ग्राम का नाम है हातू, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एंड विच इज़ लेड बाय मुंडा। बस टर्म्स याद रखना है, अब तक तो टर्म्स याद भी हो गए होंगे। ग्राम इज कॉल्ड हातू एंड इट इज़ लेड बाय द मुंडा। दूसरा पहाड़ा, पहाड़ा मतलब एक ग्रुप ऑफ विलेजेस, 6 से 8 विलेज, 8 से 10 विलेज, जो बड़ा एक कम्युनिटी बन जाता है उसको कहते हैं पहाड़ा, विच इज़ लेड बाय मानकी। देखिए, मुंडा मानकी, इससे पहले हम लोगों ने कर लिया है मुंडा मानकी सिस्टम। और उसके बाद आता है राजा, जो कि नागवंशी राजा जो सबसे पहले बने थे वो थे फनीमु मधुकरण शाह। अब जो वो एकदम टॉप मोस्ट है वो है राजा, और जो सबसे बॉटम मोस्ट है वो है हातू, पहाड़ा, मांकी। ये सारे टर्म्स, जो टर्म्स आप पढ़ रहे हैं, ये अक्रॉस द ट्राइब वी आर गोइंग टू फाइंड इट टू बी वेरी वेरी कॉमन। नागवंशी राजा में फनी मधुकरण शाह, जो इस सिस्टम के अंदर पहली बार आए वो थे मधुकरण शाह, और जो फाउंडर है वो है फनी मुकुट राय। ये याद रखने वाली बात है। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी मुंडा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कर लिया है, तो जितने भी टर्म्स हैं वो सारे कॉमन हैं। आप एक बार उस स्लाइड को ज़रूर देखिए, स्लाइड को देखने से पहले। अब देखते हैं नागवंशी डायनेस्टी। आप कोई भी झारखंड की जब किताब उठाएंगे तो उसमें पूरा ये डायनेस्टी क्लियरली नहीं दिया हुआ है। बहुत सारा कन्फ्यूजन्स है कि फाउंडर हर जगह आपको मिल जाएगा, बट अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग एवरीथिंग इन द सेम प्लेस। आई वुड रिक्वेस्ट यू नॉट टू वेस्ट टाइम लुकिंग कि कौन है, थोड़ा और जान ले। नो PhDs आर टू बी डन। वट यू हैव टू डू इज टू जस्ट फिक्स इन योर ब्रेन द क्रोनोलॉजी ऑफ इट, कि इंपॉर्टेंट रूलर्स क्या थे और क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं, जो कि मैंने इस स्लाइड में ऑलरेडी कर दिया है। तो अगर एक्स्ट्रा दिमाग है और कुछ और लगाना है तो वो कम्युनिटी सर्विस कर सकते हैं, रादर देन डूइंग अ PhD ऑन द सब्जेक्ट। लेट्स सी, नागवंशी डायनेस्टी द फाउंडर वॉज फनी मुकुट राय। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फनी मुकुट राय, इनका नाम है आदि पुरुष। इट कंप्राइज द एरियाज ऑफ रामगढ़, पलामू एंड तमाड़। ये तमाड़ वाला एरिया रांची के पास है, और इनिशियल जो कैपिटल था वो खुखरा था। अब ये जो खुखरा वर्ड है ये भी बहुत बार रिपीट होने वाला है, इसको भी ध्यान से देखेंगे। बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स जस्ट सी अ लिस्ट ऑफ ऑल द रूलर्स, क्योंकि ये कहीं क्लियरली नहीं दिया हुआ है। दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द विकीपीडिया एंड हैज़ बीन एडिटेड। तो यहाँ पे सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं उन्हीं के नाम मैंने लिए हैं, राजा फनी मुकुट राय, और उसके बाद बस एक रिविजन के लिए मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय।
फिर राजा बराइसल। बट ये सब देखिए, ये जहांगीर अकबर के टाइम का है, और ये राजा जो राजा दुर्जन साल हैं, इनका बहुत ही स्पेसिफिक सिग्निफिकेंस है, इसीलिए यहाँ पे इंक्लूडेड है राजा दुर्जन साल और रघुनाथ शाह, यदुनाथ शाह। अब यहाँ से देखेंगे कि राय से जो है वो टाइटल चेंज होके शाह कर लिया गया है, तो इसलिए कन्फ्यूजन नहीं लाना है कि ये रूलर अलग डायनेस्टी के हैं। दे बिलोंग टू द सेम डायनेस्टी, ओनली सम ऑफ द रूलर्स, एंड वी विल सी दैट ऑल्सो, वन रूलर वॉज देयर हु चेंज द टाइटल फ्रॉम राय टू शाह। तो ये एक लिस्ट है, ये आप विकीपीडिया पर भी खोल के देख सकते हैं, बट आई सजेस्ट यू नॉट टू डू दैट, दिस इज मोर देन इनाफ। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, एक बार टाइमलाइन देख लेते हैं। फनी मुकुट राय जो थे, उन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था जिसका नाम था मादरा मुंडा, और उसके बाद इनके जो सक्सेसर्स थे उनका नाम हो गया नागवंशी। फनी मुकुट राय जो हैं, इनका रूल 83 एडी से लेके 162 एडी तक रहा है, तो काफ़ी पुराना, मतलब इट वाज़ द एस्टैब्लिशमेंट, और वहाँ से ये तब से आया हुआ है। और इनके बर्थ को लेकर भी बहुत सारे इश्यूज हैं, यू कैन रीड दोज स्टोरीज कि बनारस में एक पंडित थे एंड ऑल दैट, बट यू कैन रीड दैट ऑल इन द स्टोरी। नाउ इसके बाद जो मेजर राजा आते हैं जिनके बारे में वी नीड टू नो, दैट इज अबाउट भीमकरण, और इनके बारे में वी विल सी अ लॉट ऑफ डिटेल्स, बहुत सारी डिटेलिंग है, इन्होंने बहुत सारा काम भी किया है। अब भीमकरण जो हैं, इन्होंने टाइटल चेंज कर दिया राय से लेके कर्ण तक, और ये ऐसा माना जाता है कि क्योंकि ही वॉज ही हैड वन फ्रीडम ओवर द कालचूरी डायनेस्टी, जिसके वजह से उन्होंने टाइटल को कर्ण कर दिया था। नाउ ड्यूरिंग हिज रूल द सरगुजा डायनेस्टी के जो हे डायनेस्टी, किंग ऑफ सरगुजा हे डायनेस्टी के थे, उन्होंने हराया बैटल ऑफ बरवा में, और बैटल जो है वो भीमकरण जीत गए, और वहाँ से वो एक आइडल जो मूर्ति होती है वासुदेव की वो लेकर आए थे। भीमकरण ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड भीम सागर, और उसके बाद जो राजा आए हैं वो है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण के बारे में, इन्होंने एक हनुमान टेम्पल गुमला में कंस्ट्रक्ट किया था। उसके बाद आते हैं प्रताप कर्ण, जो कि कंटेम्प्ररी हैं लोदीज के। इसी को कंटिन्यू करते हुए देखना है हमें कि मधुकरण शाह आते हैं, अकबर के कमांडर उनको हरा देते हैं, 1585 में इन्वेड, जो मुगल्स हैं लोदीज के बाद जो मेन मुगल्स आए हैं उन्होंने इन्वेड किया है, और इन्वेजन के बाद एक डिमांड रखा गया रेगुलर टैक्सेस के लिए। अब रेगुलर टैक्सेस जो है उसको मालगुजारी कहते हैं। सो यहाँ पे अब मेन डिस्प्यूट और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। दिस इज़ द मेन पॉइंट वेयर द हिस्ट्री विल टर्न, क्योंकि जो ये नागवंशी सिस्टम है, इट वाज एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मुंडा सिस्टम, जो कि पढ़ा सिस्टम चल रहा था। देर वॉज नो रेगुलर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, एक बहुत ही डेमोक्रेटिक वे से सोसाइटी चल रहा था, और कोई टैक्स कलेक्शन नहीं हो रहा था, एवरीबडी वॉज लिविंग हैप्पीली। बट ये मुगल्स आते हैं और ये कहते हैं कि हमें तो रेगुलर टैक्सेस चाहिए, विच इज़ अ न्यू सिस्टम, इट हैज़ डिस्टर्ब द एंटायर फैब्रिक ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी, और उस रेगुलर टैक्स को बोलते हैं मालगुजारी। अब ये टैक्सेस जो राजा हैं ये पे नहीं कर पा रहे, वेन समथिंग इज न्यू देर इज ऑलवेज डिसऑर्डर, सो टैक्सेस पे। इसके लिए महाराजा जो दुर्जन साल हैं इनको इम्प्रिजन कर दिया है जहांगीर ने फोर्ट ऑफ ग्वालियर में 12 साल के लिए। नाउ दिस इज़ ए टर्निंग पॉइंट, यू हैव टू रिमेंबर कि राजा दुर्जन साल को 12 साल के लिए फोर्ट ऑफ ग्वालियर में जहांगीर ने इम्प्रिजन कर दिया। सो नाउ द देर वॉज ए, जब 12 साल बाद दुर्जन साल बाहर आए ग्वालियर फोर्ट से, वन ही वॉज रिलीज्ड, सो ही स्टार्टेड पेइंग टैक्सेस, दो नॉट वेरी रेगुलरली, उसको बोला जाता था नजराना, कभी कभी जो इरेगुलर टैक्स पे कर रहे थे उसको बोलते थे नजराना, और बाद में यही नजराना सिस्टम जो है वो जागीरदारी में बदल गया, और फिर उसके बाद जमींदारी। अब जागीरदारी और जमींदारी में भी जमीन आसमान का फर्क है, एक जैसा सुनने में लगता है, बट यू मस्ट गूगल द डिफरेंस बिटवीन जागीरदारी एंड जमींदारी सिस्टम। मैं एक हिंट के लिए बता देती हूँ कि जागीर वॉज गिवेन बाय अकबर और जहांगीर टू देयर इम्पॉर्टेंट पीपल, किसी एरिया में पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड असाइन कर देते थे, बट यू मस्ट बी नोइंग जमींदारी सिस्टम एंड नाउ यू हैव टू थिंक ऑन इट। इसके बाद जो रूलर आते हैं वो है मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस एक क्रोनोलॉजी आपके दिमाग में रहे इसलिए।
उसके बाद 1765 में ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स मिल जाती है और यहाँ से शुरू हो जाता है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। वेन नागवंशी डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड, जब वहाँ पे फिर से एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, राजा बन रहे थे, तो वो कॉर्नवालिस को भी इन्फॉर्मेशन जाती थी 1789 में। सो दीवानी राइट्स के साथ ही बहुत तरह के लैंड सेटलमेंट्स भी हुए थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट, रौतवाड़ी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, इसको एक बार ज़रूर देखना है बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट, क्योंझार जो कि अभी के उड़ीसा में है, ये कैप्चर किया गया था नागवंशी, और एक सन टेम्पल भी बिल्ड किया गया था सुतियांबे में। इट इज़ नॉट रिलेटेड बट एक ट्रिविया है जिसको याद रखने में आपका फ़ायदा है। अब बिफोर वी मूव ऑन टू एनी अदर टॉपिक, एक बार जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो पहाड़ा सिस्टम में क्या होता था, एक सोशल हेड होता था जिसका नाम हुआ करता था पाहन, जिसका नाम हुआ करता था महतो, और जो रिलीजियस हेड हुआ करता था उसका नाम हुआ करता था पाहन, जो कि पूजा पाठ इन सब मैटर्स में देखता था। महतो इलेक्ट होता था 3 साल में एक बार, और वो विलेज काउंसिल का हेड हुआ करता था, और जो रीजनल पंचायत है उसी को पढ़ा पंचायत कहते हैं, पढ़ा पंचायत के ऊपर पढ़ा राजा, जैसे कि यहाँ नागवंशी राजा आप देख रहे हैं। उसके बाद ब्रिटिश राज में ये जो सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब कर दिया गया था, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम, देर वेर अ लॉट ऑफ रीजंस फॉर दैट एंड दैट नीड नॉट टू बी रिमेम्बर्ड फॉर नाउ। इनके सिस्टम में इतना याद रखना है कि पढ़ा, महतो, ये सब क्या क्या थे। अब पढ़ा में बहुत सारे गांव थे, ये याद रखना है। पढ़ा पंचायत का नाम आपने सुना था, और जनरली जो पढ़ा पंचायत होता है उसमें 5 से 9 मेंबर हुआ करते थे, तो ये इम्पॉर्टेंट है। राजा जो है वो इलेक्ट होता था, इसीलिए ये बहुत ही डेमोक्रेटिक बॉडी हुआ करती थी। दीवान हुआ करता था पांड्रे, जिसको क्लर्क बोलते हैं, पांड्रे हुआ करता था। कोतवार, अब कोतवार और कोतवाल में अगर आप डिफरेंस या सिमिलैरिटी ढूंढ सकते हैं तो यू विल नो कि व्हाट डिड द कोतवाल डू। सो कोतवाल वाज बेसिकली द पुलिस, अनऑफिशियली और ऑफिशियली। और उसके बाद जो बाकी लोग हैं वो प्रजा, अब राजा है तो प्रजा होनी तो ज़रूरी है, राजा हेड हुआ करता था। उसके बाद एक जो ऑफिशियल है वो है कर्ता, तो कर्ता जो है वो चेयरमैन था। उसके बाद काउंसिल का जो पढ़ा चेयरमैन, पढ़ा काउंसिल का चेयरमैन था, उसका कर्ता नाम हुआ करता था। नाउ देर इज़ नथिंग। और एक जो इम्पॉर्टेंट इवेंट है या हैपनिंग होती थी ट्राइबल में पनिशमेंट के तौर पे, वो था ऑस्ट्रसाइजेशन, मतलब सोसाइटी से लोगों को निकाल दिया करता था। एंड दैट वाज द सीवियर फॉर्म ऑफ कंडेम जो ट्राइबल सोसाइटी करती है फॉर द हीनियस केसेस। इसके बाद भुयारी वगैरह ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, वी डोंट हैव टू सी इट अगेन इन दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। भुयारी खुटकट्टी, एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर इसको जाकर देख लेंगे। अब एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स। ये बहुत ही छोटा फन फैक्ट जैसा है और इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल तो है, बट बार बार रिविजन करने से आई डोंट थिंक इट शैल बी अ प्रॉब्लम, इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो प्रताप राय, इनका कैपिटल था चुटिया। भीमकरन, इनका था खुखरा, ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। दुर्जनसा, दोयसा, ये अभी का जो धुरवा है, रांची का धुरवा, उसी को दोयसा से रेफर कर रहे हैं। यदुनाथ शाह पालकोट, जगन्नाथ सहदेव भैरव और प्रताप सहदेव रातुगढ़। तो ये हैं कैपिटल्स, ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में अगर आ गया तो बहुत ही हैवक हो सकता है अगर आपको याद नहीं है। याद कैसे रखोगे, तो डी से दुर्जनसा, डी से डोयसा हो गया, बी के अब कैसे भी याद कर लो, भीमकरण बी बी एच है तो, और के एच है वैसे याद कर लो, प्रताप राय चुटिया, एक दो तो याद रखना ही पड़ेगा, देर इज़ नो वे आउट ऑफ इट। एक बार रिविजन के लिए फिर से देख लेते हैं कि फाउंडर जो है वो है फनी मुकुट राय, और एरिया कौन कौन से, रामगढ़, पलामू, तमाड़, इनिशियल कैपिटल जो है वो है खुखरा। ये लिस्ट ऑफ रूलर्स हैं, इसमें बस फनी मुकुट राय और दुर्जन साल अगर आप और यदुनाथ शाह याद रख लीजिए, सो दैट यू गेट ए क्रोनोलॉजी। ये शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल्स, उसके बाद भीमकरण शाह, जिन्होंने अपना टाइटल राय से बदल के कर्ण रख लिया था, स्टोरी में बता चुकी हूँ। भीमसागर, वसुदेव आइडल, बैटल ऑफ बरवा, शिवदास कर्ण आते हैं जिन्होंने गुमला में एक हनुमान मंदिर बनाया है, प्रताप कर्ण, कंटेम्प्रेरी ऑफ द लोधीज। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, पहाड़ा सिस्टम याद रखना है, मुंडा सिस्टम याद रखना है, ग्राम को हाथू बोलते हैं, पहाड़ा लेड बाय मंकी, नागवंशी राजा। उसके बाद मधुकरण शाह जो अकबर के टाइम पे थे,
उसके बाद मालगुजारी, दुर्जन साल का कैप्चर हो जाता है, जहांगीर उनको 12 साल के लिए ले जाते हैं, फोर्ट ऑफ ग्वालियर में जब आते हैं तो वो नजराना देने लगते हैं, उसके बाद मुकुट राय आते हैं, 1765 में दीवानी राइट्स मिल जाती है इंग्लिश को, और नागवंशी राय जब भी राजा बनते हैं तो कॉर्नवालिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं क्योंझार जो है वो कैप्चर हुआ था, सुदियांबे में एक सन टेम्पल नागवंशी राजाओं द्वारा बनाया गया है। दिस इज़ ऑल यू हैव टू नो इन द नागवंशी सिस्टम, इससे ज़्यादा आपको कुछ जानना ही नहीं है, बस क्रोनोलॉजी आपकी सही होनी चाहिए सो दैट यू कैन राइट द आंसर्स इन द मेन्स ऑल्सो। आई होप यू लाइक द लेसन डियर फ्रेंड्स, एंड इफ देर इज़ एनी इम्प्रूवमेंट दैट आई कैन डू, इफ देर इज़ एनी थिंग आई कैन मेक ईजी फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो। दैट्स ऑल, टेक केयर एंड कीप स्टडी, थैंक यू।